हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर। तो देखिए, हमारी बात चल रही थी इंग्वाइनल हर्निया के ऊपर, और हमने आपको इसके पहली वाली वीडियो में ये पूरा समझाया था कि इंग्वाइनल हर्निया में जो हमारा एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आता है, तो क्या कंटेंट बाहर आता है, कहाँ से बाहर आता है और कितना बाहर आता है, ये सारा का सारा आपको एक्सप्लेन किया था। और हमने आपको बताया था कि जो साइट ऑफ एक्सटेंट है कि कहाँ से बाहर आता है, तो इसे हम डिटेल से बताएंगे आपको इस चार्ट के अंदर। कौन से वाले, मतलब डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया एंड इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया को। ओके, तो इसकी बात हम करते हैं सेकंड वाले पॉइंट की। अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ एक्सटेंट, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया एंड फिर इनडायरेक्ट भी टू टाइप से, कॉन्जेनाइटल एंड अक्वायर्ड, एंड डायरेक्ट भी टू टाइप से, लेटरल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया एंड मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ओके, तो 1, 2, 3, 4 आल फोर टाइप्स की बात करते हैं इस पेज के अंदर। और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, आपको ओपीडी में इतने पेशेंट मिलेंगे भर भर के हर्निया के, जब भी आप सेकंड ईयर में जाओगे। ओके, तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट को हर्निया आना चाहिए। ओके, तो वही हमारा पूरे के पूरे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया को हम यहाँ पर इस एक पेज के अंदर पूरा का पूरा कवर कर देंगे। ओके, तो वही सबसे पहली बात, इंग्वाइनल हर्निया में क्या होता है, हमारा एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आता है, मतलब एब्डोमिनल कंटेंट यानी कि एब्डोमिनल विसरा। ओके, तो मैं वहाँ पर यही लाइन लिख रहा हूँ। ओके, तो प्रोट्रूशन ऑफ प्रोट्रूशन ऑफ एब्डोमिनल विसरा एब्डोमिनल विसरा लाइक क्या आ गया आपका, इंटेस्टाइन का लूप आ गया। ओके, देखिए यहाँ बोला ना हमने क्या क्या आ सकते हैं, इंटेस्टाइन का लूप आ सकता है, ओमेंटम आ सकता है या यूरिनरी ब्लेडर आ सकता है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारा इंटेस्टाइन का लूप बाहर आ गया, तो लूप ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, अब देखिए, जैसे ये एब्डोमन, जैसे ही लूप, अब देखिए हमारा हो गया क्या बाहर आया, लूप ऑफ इंटेस्टाइन। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि कहाँ से बाहर आया। तो देखिए, हमने दो टाइप से बता रखे हैं, इनडायरेक्ट यानी कि कहाँ से आएगा, डीप इंग्वाइनल रिंग से, और डायरेक्ट यानी कि कहाँ से आएगा, कम्स थ्रो हैसलबैक ट्राइंगल्स। अब इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले हैसलबैक ट्राइंगल्स। तो देखिए, इसके वीडियो में इसके बाद अपलोड कर दूंगा। देखिए, हैसलबैक ट्राइंगल कुछ नहीं है, ट्राइंगल है मतलब इसकी तीन बाउंड्रीज याद करनी होती है। तो अज्यूम कीजिए, ये क्या है हैसलबैक ट्राइंगल, सबसे नीचे क्या होता है इंग्वाइनल लिगामेंट, इस साइड क्या होगा रेक्टस फीमोरिस, और इस साइड क्या होगा, ऑफकोर्स अब जूम कीजिए, रेक्टस फीमोरिस कहाँ होगी, मीडियल साइड, इंग्वाइनल लिगामेंट कहाँ होगा, नीचे की साइड, और लेटरल साइड क्या होगा, लेटरल साइड होती है हमारी इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ओके, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर एक ट्राइंगल बनाती है, जिसे बोलते हैं हैसलबैक ट्राइंगल्स, या फिर इसे बोलते हैं हम इंग्वाइनल ट्राइंगल। ओके, क्योंकि ये ट्राइंगल कहाँ होता है, हमारे इंग्वाइनल रीजन में प्रेजेंट होता है। ओके, तो या तो हमारी जो सामान है, जो कंटेंट है, या तो डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू आएगा, या फिर आएगा हमारे हैसलबैक ट्राइंगल्स के थ्रू। ओके, हैसलबैक ट्राइंगल के थ्रू, तो मैं प्रोट्रूशन ऑफ एब्डोमिनल विसरा रहा था। अब इसको मैं दो टाइप से डिवाइड कर रहा हूँ, थ्रू डीप इंग्वाइनल रिंग, THROUGH, थ्रू डीप इंग्वाइनल रिंग। देखिए, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, DWP डीप, ING मतलब इंग्वाइनल, थ्रू डीप इंग्वाइनल रिंग, या फिर किसके थ्रू आएगा, या फिर आएगा थ्रू वीक पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, तो आएगा थ्रू देखिए मैंने वीक लिखा है, ये काम की बात है, वीक पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, ING यानी कि इंग्वाइनल एंड कैनाल। ओके, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हैसलबैक ट्राइंगल, मतलब जो हैसलबैक ट्राइंगल की वाल है, हैसलबैक ट्राइंगल की वीक पोस्टीरियर वाल, हैसलबैक ट्राइंगल ऑफकोर्स पोस्टीरियर वाली होगी, तो हैसलबैक ट्राइंगल की वाल अगर वीक हो जाए तो उसके थ्रू भी हमारा एब्डोमिनल कंटेंट यानी कि एब्डोमिनल विसरा बाहर आ सकती है, बाहर की तरफ प्रोट्यूड कर सकती है, या फिर बोल दीजिए हैसलबैक ट्राइंगल के, हैसलबैक ट्राइंगल से, तो हैसलबैक हैसलबैक
ट्राइंगल, ओके। तो या तो डीप इंग्वाइनल थ्रू, डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू हमारा एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आएगा, या फिर हमारे वीक पोस्टीरियर इंग्वाइनल वाल के थ्रू, वीक पोस्टीरियर वाल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू बाहर आएगा। तो इसको मैंने यहाँ पर टू टाइप से डिवाइड कर दिया है। हाँ, तो देखिए प्रोट्रूशन ऑफ एब्डोमिनल विचना दो जगह से बाहर आई। नंबर फर्स्ट देखिए एरो का यही है। अभी देखिए इनकी जो हमारी जो हर्नियल शेक की बाउंड्रीज होती है वो काम की होती है कि हर्नियल शेक में क्या क्या लेयर्स मिलेगी आपको एब्डोमेन वाली, ओके, ये हो गया। अब उसके बाद ऑफकोर्स अगर डीप रिंग, डीप इंग्वाइनल रिंग में इंटर कर गया तो उसके बाद कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स इंग्वाइनल कैनाल में। तो उसके बाद जाएगा ये इंग्वाइनल कैनाल में, इंग्वाइनल कैनाल के बाद कहाँ जाएगा, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में, ओके। तो इंग्वाइनल कैनाल के बाद क्या आएगी, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, आईएनजी मतलब इंग्वाइनल एंड रिंग, ओके। एंड फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के बाद कहाँ जाएगा, स्क्रोटम में, ऑफ कोर्स स्क्रोटम में जाएगा। और देखिए स्क्रोटम के नीचे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, जनरली इंटर, मतलब जो इस टाइप का हर्निया है डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू होता है उसमें हमारा जो इंटेस्टाइन लूप है या फिर जो एब्डोमिनल विसरा है वो पक्का आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको कंफर्म मिलेगी हमारे स्क्रोटम के अंदर। तो मैं लिख रहा हूँ जर्नली, कन्फर्म नहीं मतलब जर्नली, आम तौर पर हमारी वो स्क्रोटम में मिलती है, ओके, कन्फर्मली मत बोल देना, GENERALY जर्नली इंटर, क्या इंटर करेगी हमारा इंटेस्टाइनल लूप, मतलब क्या बाहर आया है एब्डोमिनल विसरा में, इंटेस्टाइन बाहर आई है कि हमारा ओमेंटम बाहर आया है, ओके, ये वाला। तो ये सीक्वेंस हो गया किसका, ये वाला होता है हमारा इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, ओके, जो कि डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू हुआ है। अब आते हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में, ये वाला डायरेक्ट होगा ना। तो इसमें क्या होता है, हेसलबर्ग ट्रायंगल, हमारे जो हेसलबर्ग ट्रायंगल की वाल है जो वीक हो गई, अब वीक वाल होने से हमारा एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आ गया प्रेशर के कारण। अगर एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आ गया तो क्या होगा, उसके बाद ये कहाँ जा सकता है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में जा सकता है, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में जा सकता है। एंड सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के बाद ये कहाँ जा सकता है, स्क्रोटम में जा सकता है, ऑफ कोर्स जा सकता है। एंड देन फिर ये स्क्रोटम में जा सकता है। और देखिए इन द केस ऑफ डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, देखिए ये वाला इनडायरेक्ट है, डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू होता है तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट, और अगर पोस्टीरियर वाल के थ्रू हर्निएशन हो तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है इसमें जो स्क्रोटम में जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत ही रेयरली होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है जर्नली। अगर यहाँ पर डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू हुआ है तो आमतौर पर या मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि हर्निया का जो कंटेंट है जो बाहर आया है एब्डोमिनल विसरा, जो इंटेस्टाइन का लूप हमारे प्रेशर से बाहर आया है वो पक्का कन्फर्मली या फिर आमतौर पर आपको स्क्रोटम में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उसके चांस बहुत ही रेयर हैं। तो स्क्रोटम में यहाँ पर रेयरली इंटर, ओके, तो इसको भी कर देते हैं, वाल वीक हुई, पोस्टीरियर वाल हेसलबर्ग ट्रायंगल की वाल वीक हो गई, और उसके बाद फिर ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में इंटर कर गया। देखिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट सुपरफिशियल में इंटर कराया है, यहाँ पर फिर डीप में इंटर कराया है, फिर कैनाल आएगी, ये तो नॉर्मली होगा ना, डीप इंग्वाइनल रिंग, फिर फीमेल कैनाल, सॉरी इंग्वाइनल कैनाल, एंड देन फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ओके, ये नॉर्मल सीक्वेंस होता है ना। देखिए आप इसको पढ़ने से पहले आप एक बार क्या पढ़ लेना, हमारा इंग्वाइनल कैनाल वाला वीडियो, उसमें हमने पूरे के पूरे एक पेज के अंदर पूरे के पूरे इंग्वाइनल कैनाल बना रखी है, क्योंकि अगर आपको इंग्वाइनल कैनाल नहीं आती ना तो आपको ये हर्निया समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी देखिए हम आगे एक लेवल और आगे जाएंगे, अभी ये बेसिक चल रहा है, इसके बाद हम लेयर्स बताएंगे, फिर इसके बाद हम आपको ओपीडी में टेस्टिंग बताएंगे कि कैसे हम ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इस बंदे को इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, क्योंकि देखिए ना हमें प्रैक्टिकली करना है ना ओपीडी में, मैंने थ्योरेटिकल तो सब बता दिया लेकिन प्रैक्टिकली करना है कि ये पेशेंट डायरेक्ट वाला है कि इनडायरेक्ट वाला है। तो अभी सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर इसकी लेयर्स की बातें करेंगे, एंड देन उसके बाद हम प्रैक्टिकली बातें करेंगे, ओके, सारा इसी पेज में हो जाएगा, ओके। तो आप पहले क्या देख लेना, फीमर इंग्वाइनल कैनाल वाला वीडियो, ताकि आपके लिए ये और भी सिंपल हो जाए, ओके। तो ये हो गया, तो इस टाइप की हर्निया को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और आपको पता होगा कि डीप इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल कैनाल एंड सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, तो पूरी बात क्या चल रही है इंग्वाइनल कैनाल की, और इंग्वाइनल कैनाल क्या होती है, ओब्लिक,
इन्ग्वाइनल कैनाल हमारी बॉडी में ओब्लिक प्लेस्ड होती है ना, ओब्लिक प्रेजेंट होती है, तो इसे बोलते हैं हम ओब्लिक हर्निया, क्योंकि ये वाला हर्निया इन्ग्वाइनल कैनाल के थ्रू हो रहा है। जबकि इस टाइप में क्या होता है, डायरेक्ट पोस्टीरियर वाल, डायरेक्ट जो पोस्टीरियर वाल है हमारे इन्ग्वाइनल रीजन की, उससे डायरेक्ट बाहर निकल रहा है, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेट। मतलब ये तो एक तो होगा डायरेक्ट हर्निया, डायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया, या फिर इसे बोलते हैं स्ट्रेट, STRAIGST। ओके, तो डायरेक्ट या स्ट्रेट हर्निया, इनडायरेक्ट या ओब्लिक हर्निया। ओके, अब हमने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर देखिए कि इनडायरेक्ट टू टाइप का होता है, डायरेक्ट भी टू टाइप का होता है। अब ये कैसे होता है, तो देखिए हम इस पूरे डायग्राम को एनाटॉमिकली प्लेस्ड कर रहे हैं। एनाटॉमिकली प्लेस्ड मतलब देखिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हमारे, हाँ तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बात कर रहा हूँ हमारे राइट साइड के इंग्वाइनल रीजन की, मतलब राइट साइड के लेग की, राइट साइड के इंग्वाइनल लिगामेंट की, और राइट साइड वाले पार्ट ऑफ एब्डोमन की, राइट इंग्वाइनल रीजन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं राइट वाले की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर पूरा पहले आपको पूरा सेटअप कर देता हूँ मैं। ये क्या होगा लेटरल, ये क्या होगा मीडियल। ओके, और मीडियल साइड क्या होती है, रेक्टस एब्डोमिनिस, यही तो होती है सिक्स पैक। सिक्स पैक किस में आते हैं, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल में ही तो आते हैं, तो यहाँ पर वो मिलेगी। हाँ तो देखिए इसके बाद मीडियल है, तो मीडियल साइड क्या होती है हमारी, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। ओके, तो चलिए हम पहले रेक्टस एब्डोमिनिस मसल बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मिलेगी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, तो ये हो गई हमारी, दिस इज रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, अरे इसको कर देते हैं ऐसे, ये हो गई रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेक्टस एब्डोमिनिस, यानी कि सिक्स पैक वाली मसल, REC रेक्टस एब्डोमिनिस। ओके, एंड देख आपको पता होगा डीओ जो डीप इंग्वाइनल रिंग होती है उसके जस्ट मीडियल साइड क्या प्रेजेंट होती है हमारी, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, तभी वहीं तो होती है। ओके, तो जो डीप इंग्वाइनल रिंग है उसके जस्ट मीडियल साइड क्या होगी हमारी, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ एक, दिस इज आर्टरी, और इस आर्टरी का नाम क्या है, दिस इज इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पर नीचे जगह नहीं थी, तो दिस इज इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। देखिए मैं सारा बात कहाँ से लिख रहा हूँ, मैंने ये सारे एक्सप्लेन की थी इंग्वाइनल कैनाल में, अभी हमने आपको बताया था ना, तो साइड में आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इन्फीरियर ईपी गैस्ट्रिक आर्टरी, ओके ये हो गया, तो दिस इज इन्फीरियर ईपी गैस्ट्रिक आर्टरी। ओके, एंड इन्फीरियर ईपी गैस्ट्रिक आर्टरी के आपको लेटर साइड क्या मिलेगी, डीप इंग्वाइनल रिंग। ओके, तो ये तो हो गई नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, और हमने आपको बताया था कि हेसलबैक ट्रायंगल क्या होता है, हेसलबैक ट्रायंगल होता है, हमने बोला ना ट्रायंगल ऐसे होता है, तो मीडियल साइड आपको क्या मिलेगी, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल का लेटरल बॉर्डर। हेसलबैक ट्रायंगल की मीडियल बाउंड्री कौन बनाता है, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल का लेटरल बॉर्डर। और हेसलबैक ट्रायंगल की लेटरल बाउंड्री कौन बनाता है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और इन्फीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा, हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट। ये देखिए ना ऐसे ही तो होगा, हेसलबैक ट्रायंगल ऐसे ही तो होगा, नीचे की साइड क्या होता है इंग्वाइनल लिगामेंट, मीडियल साइड क्या होगा, मीडियल साइड होगा रेक्टस एब्डोमिनिस का लेटरल बॉर्डर, और जबकि लेटरल साइड क्या होगा, लेटरल साइड होगी हमारी इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ओके, और आपको पता होगा कि इन दोनों के बीच, मतलब हम हेसलबैक ट्रायंगल को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसके थ्रू, उसे हम डिवाइड करते हैं मीडियल अम्ब्लाइकल लिगामेंट के थ्रू। ओके, तो चलिए दो पार्ट छोड़िए, पहले इतना ध्यान रखना कि हेसलबैक ट्रायंगल के नीचे होता है इंग्वाइनल लिगामेंट, मीडियल साइड होती है रेक्टस एब्डोमिनिस, और लेटरल साइड होती है हमारी इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये पूरा का पूरा हेसलबैक ट्रायंगल हो गया, और हमारा जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ये हेसलबैक ट्रायंगल वाली वाल हेसलबैक ट्रायंगल से ही होता है। ओके, ये हो गया। अब हम आते हैं हमारे, हमने बोला था टाइप्स के बारे में कि इनडायरेक्ट टू टाइप का होता है, डायरेक्ट भी टू टाइप का होता है, तो पहले इनडायरेक्ट वाले की बात करते हैं। तो इसके जो टू टाइप है उसको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए अब डीप इंग्वाइनल रिंग में हुआ, इंग्वाइनल कैनाल में आया और इसमें आया। अब आप ऐसी यूँ सोचिए, ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं जो जो ये वाला काम कर सकती हैं। ओके, तो देखिए आपने अगर ढंग से पढ़ा हो इंग्वाइनल कैनाल जो हमने आपको पढ़ाया था, तो हमने आपको वहाँ बताया था प्रोसीरस वेजिनेलिस। ओके, प्रोसीरस वेजिनेलिस क्या होता है, ये होता है हमारे पैराइटल पेरिटोनियम का पार्ट। ओके, तो प्रोसीरस वेजिनेलिस क्या होता है, हमारी पेरिटोनियम का एक्सटेंशन,
जो हमारे एब्डोमेन में होती है ना पेरिटोनियम, उसका एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं हम, उसका एक्सटेंशन कहाँ पर, हमारे इन्वेजनल कैनाल के अंदर। ओके, तो पेरिटोनियम का इन्वेजनल कैनाल के अंदर एक्सटेंशन होता है जिसे बोलते हैं हम प्रोसियस वेजिनेलिस। ओके, और इससे क्या हुआ, इससे हमारा हमारा जो पेरिटोनियम है वह कनेक्ट हो गया हमारे टेस्टिस से, और जैसे जैसे हम जैसे जैसे बंदा बच्चा बड़ा होता है तो जो प्रोसियस वेजिनेलिस है ये बंद हो जाता है। ओके, तो जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ तो हमारा प्रोसीरियस वेजिनेलिस बंद हो गया, ये तो होता है नॉर्मल। लेकिन क्या होता है, कोई कंजेनाइटल एनामलीज हो गई जिससे बच्चे का प्रोसीरियस वेजिनेलिस प्रॉपरली बंद नहीं हुआ, तो ऑफकोर्स पेरिटोनियम का सामान प्रोसीरियस वेजिनेलिस के थ्रू कहाँ आ जाएंगे, हमारे टेस्टिस में आ जाएंगे ऑफकोर्स, और बच्चे को क्या हो जाएगा, बच्चे को जाएगा इनडायरेक्ट हर्निया। ओके, तो मैं वही बात बता रहा हूँ। ओके, तो कंजेनाइटल मतलब जन्मजात, मतलब बच्चा बाय बर्थ लेकर पैदा हुआ है। ओके, तो मैं दोनों के यहाँ लिख रहा हूँ, ड्यू टू पार्शियल एंड कंप्लीट पेटेंसी ऑफ प्रोसियस वेजिनेलिस, ड्यू टू पार्शियल एंड कंप्लीट पेटेंसी ऑफ प्रोसियस वेजिनेलिस। ओके, तो अगर प्रोसियस वेजिनेलिस पेटेंसी मतलब ओपन रह गया, बंद नहीं हुआ, नॉर्मली क्या होता था ये, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता था मतलब बच्चे की जैसे जैसे टाइम बढ़ता था आगे आगे उसका बंद हो जाता था, लेकिन ये बंद नहीं हुआ, पेटेंसी हो गई, ओपन ही रह, पेटेंसी मतलब ओपन ही रह गया, तो उससे क्या हुआ, हमारा एब्डोमिनल कंटेंट प्रोसियस वेजिनेलिस के थ्रू कहाँ आ गया, हमारे टेस्टिस में आ गया, क्योंकि प्रोसियस वेजिनेलिस कहाँ होता है, पेरिटोनियम कैविटी और टेस्टिस के बीच, उनके बीच का ये रास्ता है। ओके, वो अगर रास्ता ओपन हो गया तो ऑफकोर्स टेस्टिस से कनेक्ट हो जाता है, मतलब टेस्टिस का कनेक्शन डायरेक्ट किससे हो जाएगा, पेरिटोनियम से। अगर डायरेक्ट कनेक्शन हो गया तो ऑफकोर्स पेरिटोनियम के सामान या पेरिटोनियम की जो पेरिटोनियम मतलब पेरिटोनियम यानी कि एब्डोमन के सामान, इसके थ्रू प्रोसियस वेजिनेलिस के थ्रू कहाँ जाएंगे, हमारे टेस्टिस में आ जाएंगे, और क्या हो जाएगा, हर्निया, कौन सा, इनडायरेक्ट हर्निया। तो इस टाइप से अगर ये पेटेंट रहे, ये ओपन रहे बाय बर्थ भी, जन्म के साथ साथ बंदे में ओपन रहे, बच्चे में ओपन रहे, तो कौन सा हर्निया होगा, इनडायरेक्ट हर्निया, मतलब इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कॉन्जेनाइटल इनडायरेक्ट हर्निया, क्योंकि देखिए ना इसका बंद होना, दिस इज डिपेंड ऑन बर्थ, मतलब जन्म के साथ बंद हो जाता है। ओके, तो ये जन्मजात बीमारी है, जन्मजात बीमारी है, तो कॉन्जेनाइटल। इसके बाद आते हैं, अब चलो ठीक है, बंदे में बच्चे में ये प्रॉपरली बंद भी हो गया, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट इन्वेजन हर्निया हो गया, तो कैसे होता है, तो देखिए ये होता है जिम वाले बंदों में, कुछ एडल्ट बंदे होते हैं जो अपने एबिलिटी से ज़्यादा वेट उठा लेते हैं जिम के अंदर, तो ऑफकोर्स एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, और एब्डोमिनल प्रेशर के बढ़ने से भी हमारा जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है यानी कि एब्डोमिनल मिश्रा है, वह डीप इन्वेजनल रिंग के थ्रू इन्वेजनल कैनाल में, देन सुपरफिशियल इन्वेजनल रिंग में, देन स्क्रोटम में, ऐसे आ जाते हैं। ओके, कहाँ पर, ड्यू टू इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, और एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा, आपने ज़्यादा वेट उठा लिया, ओके, जिम में ज़्यादा उठा लिया, या फिर और कहीं जब आप कहीं वर्क करते हो, कहीं आप वर्कर हो, वहाँ पर भी आपने ज़्यादा वेट उठा लिया, तो भी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हर्निया। ओके, और ऑफकोर्स आपने वेट उठाया है तो ये कॉन्जेनाइटल तो नहीं है ना, जन्मजात तो नहीं है, आपने एक्वायर्ड किया है वेट उठाने के बाद। ओके, वेट उठाने के बाद ही तो हर्निया हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एक्वायर्ड इनडायरेक्ट हर्निया। तो मैं दूसरा टाइप लिख रहा हूं किसका, इनडायरेक्ट का, ड्यू टू इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, कैसे, हमने वेट लिफ्टिंग के, ड्यूरिंग वेट लिफ्टिंग, तो मैं यहां लिख रहा हूं डायरेक्ट वेट लिफ्टिंग, WEIGHT वेट लिफ्टिंग। तो मैंने यहाँ लिखा वेट लिफ्टिंग, तो इस टाइप से अगर कोई हमारा इंटेस्टाइनल कंटेंट बाहर आता है तो इसे क्या बोलेंगे, अक्वायर्ड इनडायरेक्ट हर्निया, तो इसे बोलेंगे हम अक्वायर्ड, क्योंकि हमने अक्वायर्ड किया है, वेट हमने खुद ने उठाया है ना यार। ओके, और ये तो बंद ही नहीं हुआ, बचपन से ही बंद नहीं हुआ, तो क्या हो गया, जन्मजात हो गया। तो A double C Q
AQUIRED, ओके, अक्वायर्ड हर्निया, ओके। तो हमने इंडायरेक्ट के दोनों बात कर ली, कंजेनाइटल एंड अक्वायर्ड, और दोनों में क्या हो रहा है, यही प्रोसेस हो रही है। इंटेस्टाइन हमारा एब्डोमिनल विसरा डीप में आएगा, कैनाल में आएगा, सुपरफिशियल में आएगा, एंड देन स्क्रोटम में आएगा। और इसमें स्क्रोटम में जनरली आता ही है, कुछ केसेस को छोड़ के हर एक में आता ही है, और इसमें स्क्रोटम में बहुत ही कम केसेज में आता है। इसमें आता ही है कुछ केसेज को छोड़ के, और इसमें कुछ ही केसेज में आता है स्क्रोटम में हमारा एब्डोमिनल विसरा, ओके, ये हो गया। अब देखिए इसके टू टाइप की बात, डायरेक्ट हर्निया में टू टाइप का होता है, इसकी बात हम नीचे करेंगे अभी, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। तो देखिए इतना वाला, ये रेड वाली क्या थी, दिस इज इन्फीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी, इसके इधर वाला क्या होगा, पूरा का पूरा इनडायरेक्ट हर्निया। ये पूरी बात किसकी है, इनडायरेक्ट इन्वाइनल हर्निया की, और इस इन्फीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी की इस इधर वाली बात किसकी है, पूरे की पूरी, ये पूरी बात है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की, ओके। और देखिए इसमें एक पॉइंट और जोड़ देते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये कॉन्जेनाइटल है, मतलब बच्चे का जन्म से ही ये बंद नहीं हुआ, कौन बंद नहीं हुआ, प्रोसियस पेरिनेलिस। तो ऑफकोर्स इस टाइप का हर्निया आपको कहाँ मिलेगा, इन्फेंट्स में, मेल इन्फेंट में मिलेगा, या फिर ये आपको चिल्ड्रंस में मिल सकता है, ओके, या फिर आपको CHILDREN, ओके, या फिर ये आपको वेट लिफ्टिंग से मेरे दिमाग में आया, बंदे 21-20 साल के बंदे जो जिम के शौकीन हैं, मतलब ये एडल्ट में मोस्ट कॉमन होता है, ADULTS, लाइक अपन जैसे, ओके। तो ये हो गया, तो इसका भी हमने आपको पूरा बता दिया। और देखिए ये मेल्स में मोस्ट कॉमन होगा ऑफकोर्स, ओके। इसके बाद देखिए इस टाइप का हर्निया कौन सा, इन्फीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी के इस साइड वाला। तो इस साइड का हर्निया ऑफ कोर्स क्या बोला यहाँ पे, मेन पॉइंट क्या है, वीक पोस्टीरियर वाल। अब यार वीक वाल करा रहा है तो ऑफ कोर्स किस में होगी, एज्ड में, ओल्डर एज वाले बंदों में होगी, सॉरी ओल्डर एज वाले पेशेंट्स में होगी, मतलब कि मोर देन 40 के ऊपर वाले या 45 के ऊपर वाले एज का, मतलब 40 या 45 की एज का पेशेंट आपके पास हर्निया के साथ आता है, तो मोस्ट चांसेस क्या है उसके, क्या होगा, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा। मैं यूं नहीं बोला कि डायरेक्ट ही होगा, इनडायरेक्ट ही होगा, मतलब मैं प्रायोरिटी बता रहा हूँ, ओके, क्योंकि एज के साथ साथ क्या होती है, हमारी एब्डोमिनल वाल वीक हो जाती है ना, ओके, उसी कारण। तो वीक पोस्टीरियर वाल यानी कि वीक हो गई, वीक क्यों हुई, एज के कारण, मतलब ये हमें मिलेगा कॉमन एज अबव 40, ओके, एज अबोव 40 ईयर, ओके, मतलब ओल्डर एज में मिलेगा कौन सा, ये वाला, ओके, ये हो गया। अब आता है इसका मेन पॉइंट जो कि होती है इसकी कवरिंग्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो पहले हम इसकी कवरिंग लिखेंगे सारी की सारी, फिर इसकी कवरिंग लिखेंगे सारी की सारी।